हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल एकदम बेकरी स्टाइल में सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप देखते ही बनाना पसंद करेंगे। बिना ओवन का बनाएंगे इडली स्टैंड में। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी ताजा दही। आप एक कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से नाप कर सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे केक में। इससे केक एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब साथ में हम डालेंगे एक तिहाई कटोरी रिफाइंड ऑयल। जिस कटोरी से दही लिए हैं उसी कटोरी में तेल भी नाप कर लेंगे। बिना फ्लेवर वाला तेल लीजिएगा। अब इसमें लेंगे 3/4 कटोरी चीनी, उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने तेल और दही नाप कर लिया है। बिना पीसे चीनी बहुत कम मेहनत में ये केक बना रहे हैं दोस्तों, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। अब इसमें ढक्कन लगाकर अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए, 40-45 सेकंड चलाने के बाद ऑयल, चीनी और दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसी में डाल देंगे एक कटोरी सूजी। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कटोरी मैदा, 2 बड़ा चम्मच मैदा होगा। मैदा पूरी तरह से ऑप्शनल है दोस्तों, आप इसके जगह पे आटा भी ले सकते हैं या सिर्फ सूजी से भी इस केक को बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैदा डालकर बनाने से एकदम मार्केट जैसा टेक्सचर आएगा केक में। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी दूध। अभी बहुत ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, जितना जरूरत होगा उसके बाद इसमें एडजस्ट कर लेंगे। मिक्सी में सारी चीजों को पीसने से मेहनत बहुत कम लगता है और सूजी का जो दरदरा सा टेक्सचर आता है केक में वो नहीं आएगा। अब इसमें ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बन के तैयार है। बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए केक बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस तरह का बैटर तैयार कर लीजिएगा। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। मिक्सी जार में बैटर तैयार करने से बहुत आसानी से बन जाता है और केक बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इसे ढक कर रख देंगे रेस्ट पे और तब तक हम इडली स्टैंड तैयार कर लेंगे। इडली स्टैंड में घी लगाकर तैयार कर लेंगे या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें है कि बहुत कम टाइम में केक बन के तैयार हो जाता है, झटपट बन जाता है। वैसे तो आप इसे केक टिन में भी बना सकते हैं और देखने में भी ये केक छोटा छोटा साइज का बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से एक बार इडली स्टैंड भी बनाकर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इडली स्टैंड में 2 कटोरी नमक डालकर अच्छे से फैला दिए हैं। इस तरह से डाल देने से केक जल्दी पकेगा इसके गर्माहट से। और ये नमक का कलर चेंज दिख रहा है दोस्तों, ये पहले से यूज किया हुआ नमक है। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम में 10-12 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। लगभग 10-12 मिनट रखे हो गया है बैटर। अब इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए, बहुत अच्छे से सूजी फूल गया है। हमारा केक बिल्कुल बाजार जैसा दिखे, इसके लिए डाल देंगे इसमें 2 पिंच येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना चाहें तो ही डालिएगा, नहीं तो ये नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। एकदम बेकरी वाला टेस्ट आएगा इससे केक में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बनाएंगे एकदम सिंपल से तरीके से इसे फ्लफी। ये है 1 टेबल स्पून इनो पाउडर, इसे डालकर बनाइएगा, झटपट बन जाएगा। और इनो तो कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वैसे आप इसके जगह पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डालकर इसे बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर इस जगह पे बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो हल्का सा दूध डालकर 2-3 चम्मच बैटर को ठीक कर सकते हैं। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, इससे केक का लुक बहुत सुंदर आएगा और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये एकदम मार्केट जैसा लुक दिखेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर हमारा बनके तैयार है। अब झटपट इडली बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब बैटर इडली मोल्ड में भर देंगे, थोड़ा थोड़ा खाली ही रखेंगे, ऊपर तक केक बनने के बाद फैलेगा। अभी क्रिसमस आ रहा है, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी बनेगा।
और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। अब थोड़े से टूटी फ्रूटी इसके ऊपर से डाल देंगे। मेरे पास एक ही कलर का टूटी फ्रूटी है, आपके पास अगर ढेर सारे कलर का है तो आप उसे डाल लीजिएगा। और लगभग 10 मिनट हो गया है प्री हीट पे रखे स्टैंड, और अच्छे से गर्म हो गया है और गर्माहट ऊपर तक आ रहा है। अब इसमें डाल देंगे इडली स्टैंड जिसमें अभी हमने केक का बैटर रख के तैयार किया है। अब इसमें इसे डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में पकने देंगे और एक बार बीच में 10-12 मिनट बाद चेक कर लेंगे। लगभग 22-23 मिनट बाद ढक्कन हटा रहे हैं और 15 मिनट बाद मैंने चेक किया था दोस्तों, केक अच्छे से नहीं पका था तो 5-6 मिनट इसे और पकने दिए हैं। एक टूथपिक की हेल्प से इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है। अब इसे इडली स्टैंड से निकाल लेंगे। केक हल्का ठंडा हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे एक चाकू की हेल्प से। इसके पीछे वाले भाग से इस तरह से गोल घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये नीचे वाला स्टैंड है, नीचे वाला में थोड़ा सा नीचे से कलर डार्क आ जाता है। ये देखिए हल्का सा डार्क दिख रहा है और देख रहे हैं एकदम फूला फूला स्पंजी केक बन के हमारा तैयार है दोस्तों। अब एक ऊपर वाला स्टैंड से निकाल लेते हैं और बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे केक को, नहीं तो नीचे से पानी छोड़ देगा। इस तरह से चाकू चम्मच घुमा लेंगे और ये देखिए ऊपर वाला स्टैंड में डार्क कलर नहीं आया है। ये भी बहुत टेस्टी है, उतना ही सेम ही टेस्ट है, तो आप भी इस बार बनाइएगा क्रिसमस पे, बहुत टेस्टी बनेगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से सारे केक निकाल लेंगे और ये देखिए दोस्तों एकदम फुला फुला और फ्लफी केक हमारा बनके तैयार है। आइए केक तोड़कर देखते हैं दोस्तों कितना फ्लफी बना है। देखिए एकदम स्पंजी दिख रहा है पूरा जालीदार केक, एकदम मार्केट जैसा दिख रहा है ना। आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।